गाजा का बिन लादेन कहे जाने वाले हमास के मुखिया याह्या सिनवार ने इसराइल के साथ युद्ध विराम के लिए बड़ी शर्त रख दी है। अमेरिकी पहल के तहत भेजे गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास ने कतर में मौजूद राजनीतिक कार्यालय के जरिए अपना जवाब भेजा है। इसमें हमास ने युद्ध विराम के लिए राफा क्रॉसिंग और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की शर्त रखी है। हमास ने साफ कह दिया है कि वो ऐसी किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी शामिल न हो। कतर के मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने इस बारे में जानकारी दी। बंधकों को लेकर पहले से दबाव झेल रहे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए हमास की शर्त मुश्किल बढ़ाने वाली है। इसके पहले कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसे गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के प्रस्ताव के बारे में हमास की प्रतिक्रिया मिल गई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने मंगलवार को युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के ताज़ा प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बयान के मुताबिक दोनों देशों ने पुष्टि की कि वो प्रस्ताव पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ और नहीं बताया। फिलिस्तीनी इस्लामिक रेजिडेंट मूवमेंट हमास इस्लामिक जिहाद ने अल जजीरा को बताया कि वो सकारात्मक तरीके से समझौता करने के लिए तैयार है और उनका मुख्य लक्ष्य गाजा में इजरायली अभियानों को रोकना है। लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह से जुड़े एक चैनल अल मायदीन को बताया कि उन्होंने युद्ध विराम प्रस्ताव में संशोधन करके ये साफ कर दिया है कि ये स्थायी नहीं होगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने जिस समझौते की घोषणा की थी उसमें स्थायी युद्ध विराम का जिक्र था। गाजा में चल रही जंग में अब तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन इन मौतों पर दुख के बजाय सिनवार इसे सफलता के तौर पर देख रहा है। सिनवार ने फिलिस्तीनियों की मौत को आवश्यक बलिदान करार दिया। सिनवार का मानना है कि गाजा में जितनी ज़्यादा मौतें होंगी उससे हमास को फ़ायदा होगा और इसराइल का दुनिया भर में विरोध होगा। हमास की रणनीति कारगर होती नजर आ रही है क्योंकि इसराइल पहले से कहीं ज़्यादा अलग थलग पड़ गया है। यही वजह है कि वो सीज फायर नहीं होने देना चाहता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।